मेरा नाम प्रशांत सिरसागर, मैं नागपुर के रहने वाला हूँ। मेरा वो रिटायरमेंट के आखिरी दिन ही मेरे को अटैक आया था। आप इसमें लोगों ने इमरजेंसी में इधर लाया और यहाँ पे एनजीओ प्लास्टिक हुई है। सर राम घोड़ेस्वार ने उन्होंने ये सब कोऑपरेट किया। एनजीओ प्लास्टिक के बाद में 2 दिन के बाद में इसमें हार्ट में पास पानी तैयार हुआ। वो उसका कारण पता नहीं चल रहा था कि क्यों हुआ। उसकी वजह से मेरे हार्ट बीट, सांस लेने में तकलीफ, बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम तैयार हुआ था। वो बहुत ही यानी वो 10 15 10 मेरे 15 दिन मैं क्या आईसीयू में था। लेकिन वो घोड़ेस्वार सर ने वो रिस्क लेके वो बहुत हेल्प करके उन्होंने उससे निकाला बाहर में। और उनकी टीम भी बहुत ये बिल्कुल रात दिन मेरे आगे पीछे रहती थी। जो भी उनका जो राउंड रहे सुबह शाम या पेशेंट आता है तो उनके तरफ ख्याल देना, पेशेंट के ऊपर पेशेंट पेशेंट पेरेंट के ऊपर प्रेशर नहीं लाना जो बाकी जगह होता है, वो नहीं है। यानी पेरेंट और पेशेंट दोनों में ऐसे फ्रीली रहते, उनको महसूस नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ। मैं भी आया तो क्या, मेरे को मालूम पता ही नहीं था कि मेरा इतना प्रॉब्लम मेजर है। कभी भी मैं देखता था डॉक्टर की तरफ, चेहरे की तरफ देखता था, कभी मिसेज के, इनके चेहरे के ऊपर ऐसा लगता था गंभीरता नहीं है, खूब सीरियस नहीं है। तो उसमें मेरा विल पावर कायम रहता था। उसकी वजह से मैं वो बाहर निकलने में मेरे को मदद हुई। फैसिलिटीज़ है, सभी सब मिलता है। बाहर गाँव का भी कोई आएगा जिनको पेरेंट नहीं है, कोई नहीं है, तो भी आप खाने का रहने का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले नागपुर में था ही नहीं, जो केयर हॉस्पिटल ने चालू किया, आज तो सभी हॉस्पिटल उसका अनुकरण कर रहे हैं। मेरा 1 साल का अनुभव भी है कि यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो भी फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है नागपुर में शायद ही दूसरे हॉस्पिटल में इतनी अच्छी मिलती होंगी। एक ऐसा अस्पताल तो जहाँ पे एक बार पेशेंट आ गया ना, उसको सभी सुविधा मिलनी चाहिए। पैसा रहे नहीं रहे, या कोई उसके पेरेंट्स साथ में है नहीं है, पेशेंट के तरफ देखने वाले लोग होना चाहिए जो यहाँ पे हैं। टीम अच्छी है। वैसा आज के तारीख में केयर हॉस्पिटल का नाम तो नागपुर में है ही, जहाँ पैसे के बारे में भी है, इकोनॉमिकल भी है, तो लोग ज़्यादा प्रीफर केयर हॉस्पिटल को ही करते हैं। इवन हमारा डिपार्टमेंट भी केयर हॉस्पिटल में ही पेशेंट प्रिपेयर करता है। बाकी जगह थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम आता है, ज़्यादा रेट रहते हैं, लेकिन ये तो सीजेजेस के जो रेट है पैनल पे रहने के बाद में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से तो पेशेंट ने या लोगों ने भी केयर हॉस्पिटल को ही प्रेफर करना चाहिए।